जय हिंद दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग में गुरुवार को गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। ओपनर शुभमन गिल ने 50 लगाई, लेकिन आखिरी ओवर में वह आउट हो गए। टीम को 2 गेंदों में 4 रन की जरूरत थी। यहां राहुल तेवतिया ने चौका लगाकर गुजरात को जीत दिला दी। पहली पारी में मोहित शर्मा ने 2 विकेट लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत खराब रही। टीम ने पहले ही ओवर में प्रभसिमरन सिंह का विकेट गवा दिया। शिखर धवन और मैथ्यू शॉट ने पंजाब की पारी संभाली, लेकिन चौथे ही ओवर में धवन भी कैच आउट हो गए। हालांकि टीम ने 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लिए। पंजाब से मैथ्यू शॉट ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए। जितेश शर्मा 25, शाहरुख खान 23, सैम करन 22, भानुका राजपक्षा 20, शिखर धवन 8 और ऋषि धवन 1 रन बनाकर आउट हुए। प्रभसिमरन सिंह अपना खाता भी नहीं खोल सके। हरप्रीत बरार 8 रन बनाकर नाबाद रहे। गुजरात के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की और पंजाब के बैटर्स को खुलकर रन बनाने नहीं दिए। मोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। राशिद खान, मोहम्मद शमी, अलजारी जोसेफ और जोशुआ लिटिल को 1 से 1 विकेट मिला। 2 बैटर रन आउट हुए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। 154 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी गुजरात को रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने तेज शुरुआत दिलाई। दोनों ने 48 रन की पार्टनरशिप की। साहा 30 रन बनाकर आउट हुए। टीम ने 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 56 रन बनाए। गुजरात के ओपनर शुभमन गिल ने आखिर तक बैटिंग की। उन्होंने 41 बॉल में अपने आईपीएल करियर की 16वीं 50 पूरी की। गिल ने ओपनर रिद्धिमान साहा के साथ 48 और साई सुदर्शन के साथ 41 रन की अहम पार्टनरशिप की। वह 67 रन बनाकर आखिरी ओवर में आउट हुए। गुजरात के बाकी बैटर्स में रिद्धिमान साहा 30, साई सुदर्शन 19 और हार्दिक पंड्या 8 रन बनाकर आउट हुए। डेविड मिलर 17 और राहुल तेवतिया 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पंजाब से अर्शदीप सिंह, कगिसो रबाडा, हरप्रीत बरार और सैम करन को 1 से 1 विकेट मिला। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कप्तान हार्दिक पंड्या इंजरी से उभरने के बाद फिर टीम का हिस्सा बने। यश दयाल की जगह मोहित शर्मा को जगह मिली। यश के खिलाफ पिछले मैच में केकेआर के बैटर रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में 5 लगातार छक्के लगाए थे, जिस कारण टीम मैच हार गई थी। पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने नाथन एलिस की जगह कगिसो रबाडा और सिकंदर रजा की जगह भानुका राजपक्षा को प्लेइंग 11 में शामिल किया। राहुल चाहर दूसरी पारी में बतौर इम्पैक्ट प्लेयर उतरे। लियाम लिविंगस्टोन टीम का हिस्सा नहीं थे। पहली पारी में पंजाब से मैथ्यू शॉट बड़ी पारी खेलते नजर आ रहे थे, लेकिन 7वें ओवर में राशिद खान ने उन्हें बोल्ड कर दिया। राशिद के बाद मोहित शर्मा ने अहम मौकों पर जितेश शर्मा और सैम करन के विकेट लिए। इन विकेट से पंजाब बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। 154 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी गुजरात को शुभमन गिल ने रिद्धिमान साहा के साथ तेज शुरुआत दिलाई। दोनों ने 48 रन की पार्टनरशिप की। गिल ने फिर आईपीएल करियर की 16वीं 50 लगाकर अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचाया। गुजरात को आखिरी 6 गेंदों में 7 रन की जरूरत थी। पहली बॉल पर सिंगल आया, शुभमन गिल दूसरी गेंद पर बोल्ड हो गए। तीसरी और चौथी गेंद पर 1-1 रन आया। 2 गेंदों में 4 रन की जरूरत थी। यहां राहुल तेवतिया ने चौका लगाकर टीम को जीत दिला दी।